कनाडा में ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हमें कंप्लीट हो चुके हैं. सो बहुत लोगों ने प्रेशर किया, बट हमने डिसाइड किया कि हम सिटीजनशिप अप्लाई करना शुरू कर दें. तो उसका प्रोसेस मनप्रीत ने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, बट सबसे जो मेन उसका स्टेप होता है फोटो क्लिक करवाना. तो उसके लिए आज जा रहे हैं. कुछ मनप्रीत ने ऑनलाइन शॉपिंग भी करी थी, वो भी पिक कर लेंगे. और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो आफ्टर ऑफिस ही टाइम मिलता है. प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको कनाडा सिटीजनशिप के सारे बेनिफिट हम बता देंगे. हमने लिस्ट डाउन करे हैं क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, सो वो भी आपको वीडियो में पता चल जाएंगे. तो एजुकेशनल और ब्लॉग बन जाएगा. चलो, कनेडियन सिटीजनशिप के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, बट उससे पहले एक फन फैक्ट. 80% ऑफ PR होल्डर्स जब एलिजिबल होते हैं वो जरूर अप्लाई करते हैं सिटीजनशिप के लिए. आई डोंट नो 20% लोग क्यों नहीं करते. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट जो होता है सिटीजनशिप लेने का वो होता है कि आपको एक सर्टेनिटी मिल जाती है. आप जब PR होते हो किसी कंट्री में, स्पेशली कनाडा में, तो आपको 5 में से एटलीस्ट 3 ईयर्स कनाडा में रहना पड़ता है टू रिटेन योर स्टेटस. बट सिटीजनशिप में ऐसा नहीं होता. बट सिटीजनशिप लेने के बाद आप किसी भी कंट्री में कितने भी टाइम तक रह सकते हो. आपको जरूरी नहीं है कि कनाडा में 10 साल रहना या 20 साल रहना. यू आर फ्री टू लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो ये एक बहुत अच्छा रिलीफ होता है. कुछ लोग होते हैं जो इंडिया जाके अपनी होम कंट्री जाके रहना चाहते हैं कुछ साल, तो दे कैन डू इट आफ्टर बिकमिंग अ सिटीजन. PR में ये डिसएडवांटेज होता है, जैसे हम कनाडा से बाहर जाते हुए सोचते हैं कि हाँ यार हमें अगर जाना है इंडिया, लेट्स से 2 मंथ्स के लिए, सो हम जाए ना जाए, बिकॉज वो जो डेज होते हैं वो आपके एलिजिबिलिटी में से निकल जाते हैं और आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि कब कब आप कनाडा से बाहर गए हो. बट एक बार सिटीजन बन गए तो फिर तो आपके पासपोर्ट पे सब डिटेल है. सो ये अच्छा बेनिफिट है. सो बाकी बेनिफिट्स बताने से पहले जो काम करने आए हैं वो कर लेते हैं. शॉप है पीछे जहाँ पे हमें फोटो क्लिक करानी है. एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन होती है फोटो के लिए इस सिटीजनशिप एप्लीकेशन के लिए, तो वो जाके क्लिक कराते हैं, फिर आके बाकी बातें करते हैं. सामान भी ले लेते हैं जो आया हुआ है. हाँ, यहीं से पिक करना है, टाइम बच जाएगा. चलो, फोटोज क्लिक करा ली हैं. इतनी कोई अच्छी नहीं आई है क्योंकि उसमें स्पेसिफाई किया होता है कि आपको हंसना नहीं है, तो बहुत ही सीरियस और गंदी शक्ल आई है. ये मुझे डर है कि पासपोर्ट पे यही ना लग जाए. हाँ यार, उसने नहीं भी चेकिंग करवानी होगी ना एयरपोर्ट पे, मेरे को साइड में ले जाएगा. भाई तू टेररिस्ट जैसा लग रहा है, साइड में आ जा. कोई नहीं, जो हो गया हो गया, ठीक है, देखी जाएगी. हम UPS आए थे, हमने एक और काम कर लिया है. एक पार्सल आना था हमारा, वो ले लिया हमने. तो आपको पता है जैसे टूथब्रश का तो मैं फैन हूँ, तो एक अच्छी डील चल रही थी, मैंने मनप्रीत को ये मंगवा के दिया टूथब्रश एंड वाटर फ्लॉसर. सो कईयों को प्रॉब्लम होती है फ्लॉसिंग करने में, फ्लॉस नहीं कर पाते. हमारा जो डेंटिस्ट है वो बोलती है कि फ्लॉस करना बहुत जरूरी है. तो ये वाटर फ्लॉस है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, आप पानी से प्रेशर से पूरा क्लीन हो जाता है. सो ट्राई करना ये वाला ब्रांड, डिस्काउंट भी अच्छा मिल जाएगा कभी आपको आसपास. लिंक दिया हुआ नीचे, ट्राई करना. बिकॉज इलेक्ट्रिक टूथब्रश इज ऑलवेज बेटर देन मैनुअल टूथब्रश. मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी बोला था. और भी अच्छी डील्स आती रहेंगी, बताता रहूंगा, बट चेक दिस आउट. बैक टू द बेनिफिट्स ऑफ सिटीजनशिप. अगर आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है तो यू वुड नो कि जो कनेडियन सिटीजन्स हैं उनको बहुत सारी कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री मिलती है. उनको वीजा नहीं चाहिए होता उन कंट्रीज का. यूरोपियन कंट्रीज हो गई, US हो गया, UK हो गया. सो दैट इज अ ग्रेट बेनिफिट. आपको हैसल फ्री, आप कहीं भी घूमने जा सकते हो. आपको टेंशन नहीं लेने की आपको वहाँ का वीजा लगवाना पड़ेगा. एंड एज पर द पासपोर्ट इंडेक्स इट्स रैंक 9th इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 199 कंट्रीज इन 2021. सो इट्स अगेन अ पावरफुल पासपोर्ट. और पावरफुल पासपोर्ट होने के अलावा ये भी बेनिफिट होता है कि जब हम ट्रैवल कर रहे थे, हम जब भी बोलते थे वी आर कनेडियंस या फिर कनाडा से हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो थोड़ा आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं. बिकॉज कनेडियन की जो थोड़ी सी रेपो है वो ये है कि पोलाइट है, बहुत फ्रेंडली होते हैं, अच्छे होते हैं. ऑल्दो स्किन टोन से तो पता ही चल गया था उनको कि कनेडियन बॉर्न नहीं है, बट फिर भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं आपको. तो जब भी आप ट्रैवल करोगे स्पेशली तो बहुत बेनिफिट होता है उसका. थर्ड बेनिफिट ये है कि कुछ गवर्नमेंट पोजीशंस होती हैं जो स्पेसिफिकली उनमें रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कनेडियन सिटीजन होना चाहिए आपको. एंड कुछ सेंसिटिव पोजीशंस भी होती हैं. ऑल्दो मोस्टली तो PR होल्डर प्रेफर करते हैं, बट ऑब्वियसली देर आर सम सेंसिटिव गवर्नमेंट पोजीशन वेयर दे ओनली प्रेफर कनेडियन सिटीजन. सो अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी और आपके पास सिटीजनशिप नहीं है, PR होल्डर हो, यू माइट लूज दैट अपॉर्चुनिटी. सो एज सून एज पॉसिबल यू आर एलिजिबल, अप्लाई फॉर सिटीजनशिप. अब हम एक स्टोर में आ चुके हैं विच इज कनेडियन टायर. यहाँ से हमें गार्बेज बिन पिक करना, उसका एक बहुत ही फनी सा रीजन है, वो आपको आगे बताएंगे क्यों चाहिए हमें ये. अरेंजमेंट
कर दिया है। एक्चुअली यहाँ पे एक एनिमल होता है स्कंक नाम का, वो रात को आता है यहाँ पे और सब फाड़ फूड के कूड़ा सारा हमारा वेस्ट कर जाता है, सारा फैला देता है यहाँ पे। यहाँ इंसान गंद नहीं मचाते हैं, यहाँ जानवर गंद मचाते हैं। तो उसके रेमेडी, उसको बचाव के लिए हमने ये किया है कि अब इसको वो ओपन ना कर पाए, क्योंकि हमारे पिछले हफ्ते हमारे पार्टी हुई थी और उसने पूरा जो हमारा ब्लैक वो था बैग, उसको पूरा फाड़ दिया और पूरे आस पास फैल गया था, जैसे आप देख रहे हो इधर भी सारा। उसने कोशिश करी गंद मचाने की, सो अब वो नहीं कर पाएगा। रकून का इंतजाम हो गया, अब बेनिफिट से कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट रकून नहीं, स्कंक। स्कंक, सॉरी स्कंक। दोनों ही वैसे इक्वली खतरनाक होते हैं, स्कंक थोड़ा ज्यादा होता है, मुझे बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट जो पीआर में आप नहीं कर सकते, सिटीजनशिप लेने के बाद आप कर सकते हो, विच इज वोटिंग। बहुत यहाँ पे सुनोगे आप वोटिंग, और ये अभी रिसेंटली हुई थी, हमने वीडियो भी पोस्ट किया था। सो वी वर काइंड ऑफ फीलिंग लेफ्ट आउट कि हम वोट नहीं कर पा रहे। As soon as you become citizen, you will be able to vote. हाँ, और अगर आपका मन है, आपका पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो यू कैन इवन गेट नॉमिनेटेड। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी जुड़ सकते हो एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स बीइंग अ सिटीजन, जो पीआर होल्डर शायद नहीं कर पाएंगे। एक और बेनिफिट ये होता है सिटीजनशिप लेने का कि अगर आपका जो जॉब है वो NAFTA एक एग्रीमेंट है उसमें फॉल करता है, तो यू कैन इजिली वर्क इन US। हाँ, मतलब बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स होती हैं जो US की होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती हैं, मे बी फुल टाइम भी होती हैं। सो कुछ मंथ आप US में जाके भी जॉब कर सकते हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में रिमोट वर्क फ्रॉम कनाडा कर सकते हो। बट अगर सिटीजन हो आप, तो प्रेफरेंस आपको ज्यादा दी जाती है। ओ, ये थोड़ा बेनिफिट है, US डॉलर में कमाओ और कनाडा में खर्च करो, दोनों तरफ टैक्स भी दो। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है इज ड्यूल सिटीजनशिप। सो अगर आप कनेडियन सिटीजन हो एंड लेट्स से इंडिया अलाउ नहीं करता कि आप ड्यूल सिटीजनशिप रखो, सो हमें अपना इंडियन पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, कनेडियन पासपोर्ट ही हमें रखना पड़ेगा। बट कुछ कंट्रीज होती हैं, लेट्स से पाकिस्तान, तो वो अलाउ करते हैं ड्यूल सिटीजनशिप। सो जो पाकिस्तानी सिटीजन होते हैं उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी होता है और कनेडियन पासपोर्ट भी होता है। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी कंट्रीज होती है जो अलाउ करती हैं। सो कनाडा उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि आप ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ करता है कि नहीं करता। सो अगर आपकी कंट्री allow करती है, you can keep Canadian passport as well as your home country passport. और looking at the current situation, जैसे भी पीछे COVID के बहुत सारे cases बढ़े थे and बहुत सारे Canadian citizen जो थे वो दूसरी countries में बैठे हुए थे, तो obviously अगर आप citizen होते हो तो government prefer करती है, वो आपको वहाँ से किसी तरह evacuate कराते हैं। so जो बहुत सारे ऐसे cases सुनने में आए थे, तो obviously यार आप जिस country में रह रहे हो, work कर रहे हो, अगर आप वहाँ के citizen हो तो obviously आपको preference मिलती है थोड़ी सी and life आपकी सेव हो सकती है। सो ये है जर्नी हमारी स्टार्ट होनी सिटीजनशिप की। फोटो क्लिक करवा लिया है, मैडम फिल कर देंगी फॉर्म अभी। सो सारे स्टेप्स आपको बताते रहेंगे। इसमें अगर आप कोई और ऐड करना चाहते हो बेनिफिट, आप ऑलरेडी कनाडा में हो तो आप कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है वो भी ऐड कर देना। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आते रहेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टिक अराउंड।